अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो कि जिसमें कोई बहुत अच्छी खबरें लोगों को सुनने में मिलती हूँ। बहुत अच्छी तो छोड़ ही दें, कोई मुनासिब सी अच्छी भी सुनने में मिलती हूँ। पिछले चंद रोज़ के अंदर इमरान खान की लाहौर रहाइश का अजमान पार्क के अंदर जो पुलिस ने धावा बोला वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, उसको अवॉइड किया जाना चाहिए था। बाहर से रोड्स वगैरह क्लियर करना वो बिल्कुल पुलिस को करना चाहिए था, कोई नो गो एरिया नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या उसके घर पुलिस को घुसना चाहिए था? बहुत ही नामुनासिब एक्शन है। जो आप अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस तरह का इंतहा पसंदी पर मबनी कोई इस तरह का एक्शन एक ले लेते हैं, वो दूसरे की बारी आती है तो दूसरा भी वही कुछ ही करता है। इमरान खान ने साढ़े तीन चार साल जो कुछ किया कि जो अपोजिशन का बंदा वो चाहता था कि जेल में चले जाए, वो किसी पे नैब का मुकदमा बन जाता था, कोई FIA की हिरासत में चला जाता था, किसी पे और कुछ नहीं था तो 15 किलो हीरोइन डाल दिया और उसको रास्ते से उठा लिया, तो वो ज़ालिमाना फेल था इमरान का। उस ज़ालिमाना फेल से क्या मौजूदा PDM को आगे चलना चाहिए था या उसी रवैश को अपनाना चाहिए था? अनफॉर्चुनेटली इन्होंने उसी रवैश को अपनाया। और दूसरा एक अफसोसनाक पहलू इमरान का रिएक्शन है। जब वारंट गिरफ्तारी आए हैं तो वारंट गिरफ्तारी उनको अव्वल तो वसूल कर लेने चाहिए थे, नहीं वसूल किए तो वो उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देते अदालत वाले। लेकिन जब रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है और वर्कर आगे जाके खड़ा हो रहा है पुलिस के मुकाबले में, उनकी गाड़ी तोड़ रहा है, गाड़ी तोड़ के नहर में फेंक रहा है, या पुलिस वालों पे लाठियां बरसा रहा है, या बोतलों में भर के पेट्रोल आग लगा के उन पे फेंक रहा है, क्या यही तरीकाकार दुरुस्त था या एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को किसी सुलझे हुए तरीके से आगे जाना चाहिए था? इस्लामाबाद में अदालत पेशी के मौके के ऊपर वर्कर साथ ले जाना, तमाम सियासी लीडर्स ले जाते हैं, कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन उस वर्कर की ताकत से अदालत को यही ना पता चले कि वो जो चार्जशीट वाली फाइल है वो है या गुम गई है, और वर्कर्स के ऊपर एक तरफ लाठियां पड़ रही हो पुलिस की और दूसरी तरफ वर्कर्स धावा बोल रहे हो अदालत की तरफ, तो किसकी सुनी ना जाए। ये किसी मुनज़्ज़म रियासत के अंदर तो ये कुछ नहीं होता, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये एक शायद इब्तदाई शक्ल होगी कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को किस अनारकी में से गुजरना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट होगा नहीं। मैं बहुत से प्रोग्राम में कहता हूँ कि हमारे जो चंद एक बड़े हैं उनको मिल बैठ के कुछ जुलाई अगस्त सितंबर कोई तारीख तय कर लें। बहुत फिजिबल होगा कि सितंबर के महीने में इब्तदाई तारीखों में इलेक्शन की तरफ चले जाएँ, मौसम भी मुनासिब होगा, 30 जून में IMF का प्रेशर भी ख़त्म हो चुका होगा, ये जो वल्नरेबिलिटी है पाकिस्तान की इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर हम उसको किसी हद तक टैकल कर चुके होंगे। अगर ये रास्ता नहीं निकालते पाकिस्तान के सियासी रहनुमा तो तमाम लोग खसारे में रहेंगे। शहबाज शरीफ को इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वह अब इकदार में बैठे हुए इस्टेब्लिशमेंट की मदद से PTI को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कामयाबी मिल जाएगी। अगर ये तरीक़ाकार कामयाब होता तो 3.5 साल मुसलसल कोशिश से इमरान, जनरल फैज, जनरल बाजवा सारों की उनको सपोर्ट हासिल थी। एक वक्त तो वो सेम पेज इतना ताकतवर था कि मीडिया के ऊपर कोई खबर भी उनकी मर्ज़ी के बगैर चलाने की इजाज़त नहीं थी होती। चलते प्रोग्रामों से मेरे शॉर्ट एडिट हो गए थे, ये समा के ऊपर प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इंटरव्यू था उसमें से शॉर्ट एडिट करवा दिया गया था। तो ये सूरत हाल थी, तो क्या वो तरीक़ाकार दुरुस्त था? क्या इमरान उससे कामयाब हुआ? इमरान को उस दिन कामयाबी मिली जब 27 मार्च को वो जलसे में ख़त लहरा के उसने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपनाया। एज प्राइम मिनिस्टर वो फेलियर था, नाकामी थी, ना गवर्नेंस दे सके ना पॉपुलैरिटी मिल सकी। तो PDM वालों को इससे कुछ सबक सीखना चाहिए या वही जो 80 और 90 वाली पुरानी सियासत थी उसी के ऊपर दोबारा जा रहे हैं? ये रास्ता दुरुस्त रास्ता नहीं है। लोगों को उठाया जाना भी किसी कानून के तहत होना चाहिए, आप ज़ुबानबंदी किसी की नहीं कर सकते। PTI के वर्कर्स के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। मैं यहाँ एक बच्चा है उसका नाम नहीं लेता, सेंटोरस इस्लामाबाद में काम करता है, अर्ली मॉर्निंग उसका मैसेज आया कि मेरा वालिद हार्ट पेशेंट है, पुलिस वाले ज़बरदस्ती उसको उठा के ले गए। जब मेरा उससे रब्ता हुआ कुछ देर के बाद तो उससे मैंने पूछा क्या हुआ था, पहले समझ नहीं आई कि इसके साथ मसला क्या था। उसने कहा हम PTI के सपोर्टर हैं तो मेरे वालिद को इसीलिए उठा लिया। इस तरह आप नहीं किसी को उठा सकते, ये कोई जुर्म नहीं है किसी का सपोर्टर होना। अगर कोई जुर्म करता है तो जुर्म का तयन करें और एक अदालती तरीक़ाकार है उसके तहत आगे चलें। आज अभी PDM की एक स्टेटमेंट मैंने देखी, उन्होंने कहा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ ये जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर और आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ जो कुछ कहा जा रहा है, ये जो बदकिस्मती मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत में आजकल बहुत कुछ हो रहा है, उसमें से एक बदकिस्मती ये भी है, फ़ौज को और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड के ऊपर फ़ौज चलती है, जब तक वो कोई गैर आइनी काम नहीं करता, वो आइन नहीं तोड़ता, वो गासिब नहीं है कि कब्ज़ा नहीं इकदार पे कर लेता, तो तब तो आप उसको क्वेश्चन करें। तब क्वेश्चन करने के बजाय जनरल मुशर्रफ के साथ सारे मिल जाते हैं, जनरल बाजवा के साथ सारे मिल गए थे 18 के बाद, जो कुछ पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद हुआ था सारे उसके साथ मिल गए थे, उस वक्त किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। तो अभी तो नई तैनाती है, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है माजी का या वो मैच फिक्सिंग का या किसी सियासी जमात को तोड़ के नई सियासी जमात को वजूद में लाने का, तो बोझ उस पर नहीं है अभी। तो उसको बिला वजह कंट्रोवर्शियल करना अकल से बाहर आता रहा, ये इससे मुल्क मजबूत नहीं होते, मुल्क कमज़ोर होते हैं। और यही हाल सुपीरियर जुडिशरी का है।
सुपीरियर जुडिशरी के ऊपर कभी यह तासुर जाए कि वो एक सियासी जमात की हमायत में है और एक की मुखालफत में है, तो उस दिन जुडिशरी का वो जो इंडिपेंडेंस वाला रोल है वो ख़त्म हो जाता है। और इसी तरीके से अगर सियासी जमातें जलसों में खड़े होकर कभी वो मुताहिर नकवी का नाम एक जमात ले और दूसरे जजों का नाम दूसरी जमात ले, लाहौर हाईकोर्ट के ऊपर ख्वाजा शरीफ के वक्त उसको PMLN से जोड़ा जाता था, अब उसको PTI से जोड़ा जाता है, तो ये तरीकाकार क्या सही है या हमें कोई रास्ता वो अपनाना चाहिए जिससे महजब दुनिया आगे चलती है, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं, इमरान मारूफ माहिर कानून है और फॉर्मर प्रोसिक्यूटर नैब भी हैं, आबिद शेर अली साहब हैं सीनियर रहनुमा है PMLN से, और शोएब शाहीन साहब हैं मारूफ माहिर कानून है, सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आबिद साहब, आपसे स्टार्ट करूँगा, पोलिटिकल वर्कर्स के ऊपर पकड़ धकड़ ये दुरुस्त तरीकाकार नहीं है, आप इसकी हमायत करते हैं या इसकी मजम्मत करते हैं? देखिए जी मलिक साहब, मैं तो इसका कतन हामी नहीं हूँ कि आप किसी पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर क्रैकडाउन करें, लेकिन जब आप कानून को हाथ में लेंगे, जब आप अदारों पर हमलावर होंगे, जब आप पुलिस पर चढ़ दौड़ेंगे, जब आप पुलिस को ज़ख्मी करने के जैसे जुराम में आप मुलव्वस होंगे, तो फिर किसी किस्म की छूट नहीं है। बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, मेरा मैं इंतहाई एहतराम करता हूँ तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स के, वो बेचारे झंडा उठाते हैं, कई शायद लीडर उनको जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, लेकिन वो अपने कॉज के लिए बेचारे मारे खाते हैं। तो मैं इस हक में नहीं हूँ किसी किस्म का पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर कहने के, बहुत एहतराम तो, लेकिन मैंने फिर आपको अर्ज़ की जो अभी आप फुटेजेस दिखा रहे थे जो पुलिस के ऊपर हमले किए गए, पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए, अगर खुदा ना खास्ता कोई कैजुअलिटी होती तो वो भी मलिक साहब किसी के बच्चे हैं, किसी की औलाद हैं, बहन है, भाई हैं, पुलिस है, वो स्टेट का काम है अपने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, लोगों को अमन व अमान देना। आप देखिए वो एक किस्म का नो गो एरिया बना हुआ था वो जमान पाक पिछले कई दिनों से, अगर आपको अदालत उज़्मा ने बुलाया है तो आप पेश हो। क्या नवाज शरीफ पेश नहीं हुआ, मरियम नवाज साहिबा पेश नहीं हुई, माजी में हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जिनके ऊपर गलत केसेस किए गए क्या वो पेश नहीं हुए, आसिफ अली जरदारी उनकी बहन सब पेश हुए, क्या इमरान खान क्या ऐसी मुकद्दस गाय है क्या आप रात को 12 बजे अदालतें लगा लेते, क्या पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जिनके केसेस पिछले कई कई दहाइयों से पेंडिंग है वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है, वो पाकिस्तान के आप सियासी लोग हैं, अगर उस वक्त उस जमाने में ये गलत काम हुआ था तो आपको क्या उसी चीज़ को फॉलो करना ज़रूरी है या आपको ग्रेस करना चाहिए? हसन नियाज़ी उसका भांजा भी है और उसका वर्कर भी है, वो उसको पकड़ लिया गया ट्वीट के ऊपर। अगर आप थ्रेट दें रियासत को, अगर मैं बैठा मैं कहूँगा कि मैं आग लगा दूँगा, मैं मलिया मेट कर दूँगा, तो मलिक साहब आप मुझे छोड़ना चाहिए, मुझे क्या, आप सियासी तौर पे मुझे लताड़े, मेरी आप मैं आपका पॉलिटिकली आप मेरे से मुकाबला करते हैं, आप मुझे लताड़ दें पकड़ के, लेकिन ये आपको किसने इजाज़त दिया कि जी मैं मलिया मेट कर दूँगा? आप देख लें कल आर्मी चीफ के खिलाफ वो इंग्लैंड में PTI के लोगों ने क्या किया, क्या इस तरह मुल्क चलते हैं, क्या वो नेक नामी में इजाफा कर रहे हैं, क्या 3.5 साल जो इमरान खान रहा है क्या वो पाकिस्तान की नेक नामी में इजाफा किया है? जो अब रही कई कसर ये लोग चंद लोग, इन्होंने पहले सऊदी अरेबिया में तमाशा लगाया था पाकिस्तान की, वहाँ पर सुखी हुई, अब आप मुझे बताएं इंग्लैंड में आप किसको एहतजाज करके बता, दुनिया को खुश करने के लिए कि आप अपनी आर्मी के ख़िलाफ़ हैं, आप अपने उन नौजवानों के ख़िलाफ़ हैं जो पहाड़ों पर अपनी शहादतें देते हैं हमें 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 बचाने के लिए, क्या ये पूरी दुनिया में आप मलिक साहब आप माशाल्लाह आप छोड़ दें कि आप क्या एक बीइंग पाकिस्तानी मुझे बताएं, क्या आपके सुप्रीम कमांडर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जो आपकी मुसल्ला फौज है, ये एक शख्स नहीं है पूरी फौज, इसका मतलब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंग्लैंड के अंदर दुनिया को दिखाने के लिए कि आप पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हैं, आप रियासत के अदारों के खिलाफ हैं, वो रियासत के अदारे जिन्होंने आपको टेस्ट ट्यूब बेबी बनाकर आपको मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया, चंद अफराद वो जो आपको एक पेज का दिलासा देकर आपने पाकिस्तान की माँ बहन एक कर दी, ये
सियासी अदारे हैं जिन्होंने आपको प्रोटेक्शन दी, जिन्होंने हमारा उस वक्त जनरल फैज अमीर ने हमारा इलेक्शन चोरी किया, जिसने हमारा आरटीएस सिस्टम बंद कर दिया, पूरे पाकिस्तान का आरटीएस सिस्टम बैठ गया है। मलिक साहब इकॉनमी का असर देख लें, लाएं वो फैज अमीर किधर है, लाएं चोरों मुजरमों को साकिब निसार जैसे नासूरों को जिन्होंने पाकिस्तान का बिड़ा कर किया। तो क्या अदलिया का तराजू इस शख्स के हाथ में था? आपकी हुकूमत है ना उनके खिलाफ ट्रायल खोल, मेरी बात सुने, ट्रायल शुरू कर, अगर ट्रायल शुरू करते हैं मलिक साहब यही तो मुसीबत है। हमारी मरतबा तो साल साल बेले नहीं होती थी, हमारी मरतबा साल साल हमारी सुनवाई नहीं होती थी। अभी इमरान खान को पकड़ देनी है 12 बजे तक, आपने फैज अमीर का और साकिब निसार का नाम लिया है ना, तो ट्रायल शुरू कर, इनको बिल्कुल पकड़ना चाहिए। आज साकिब निसार की आपने ऑडियो लीक सुनी सुन ली है, तो आप ट्रायल शुरू कर ले, बिल्कुल ट्रायल होना चाहिए। मैं आपकी हुकूमत है, मतलब चाहिए किससे कह रहे हैं, आपकी हुकूमत है, शुरू की हुकूमत है, पीडीएम ये हुकूमत का काम इनिशिएटिव लेना, बाकी काम जो आईनी तरीके से होता है वो पूरा होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान आज इन चंद अफराद की वजह से मलिक साहब 22 करोड़ अवाम सफर कर